ऐसी हम सबकी श्रद्धा है, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसी हमारी गुरु परंपरा से चली आ रही सदियों से यह एक मान्यता है कि उत्तराध्यन सूत्र भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना है। यह उनकी अंतिम धरोहर है। आप इसे विरासत कह सकते हैं। आप अगर सारे आगमों का अध्ययन नहीं कर पाते, पर अगर एक में को उत्तराध्यन को भी आपने समझ लिया तो सारे आगमों को आप समझ लेते हैं। सभी आगमों का इसमें, सभी बातों का इसमें समावेश है, इसलिए इसकी इतनी महत्ता भी है। उत्तराध्यन जो है वो दो शब्दों से बना है, एक है उत्तर और दूसरा है अध्ययन। उत्तर का मतलब होता है बाद में, या उत्तर का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो दोनों ही अर्थ इसके समीचीन है, दोनों ही अर्थ सही है। अध्ययन का मतलब आप जानते हैं, जो भी कहा जाता है, जो भी लिखा जाता है वो अध्ययन है। तो जो बाद में कहा गया वो उत्तराध्यन है, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर इसका कथन, इसका उपदेश भगवान ने किया, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? उत्तराध्यन। अब क्योंकि ये श्रेष्ठ कथन है, ये उच्चतम कथन है, ये जीवन को मुक्ति के पथ पर बढ़ाने वाला कथन है, इसलिए भी ये क्या है? उत्तराध्यन है। तो उत्तराध्यन जो 36 अध्ययनों में समाविष्ट है, वृत्तिकार ने इसकी महत्ता बतलाते हुए कहा है कि जो लोग भविक हैं, जिन लोगों के मन में श्रद्धा है, जिन लोगों के अंतःकरण में मुक्ति की योग्यता है, जिन जीवों की अपनी संभावना है कि वो मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, मुक्ति तक जा सकते हैं और मुक्ति को हस्तगत करके अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, जिनमें केवल और केवल संभावना ही नहीं बल्कि वैसी इच्छा है, वैसी मुमुक्षा का भाव भी है, ऐसे ही लोगों को इस उत्तराध्यन का अध्ययन करने का, इस उत्तराध्यन को सुनने का, इस उत्तराध्यन को पढ़ने का, इसको श्रवण करने का भाव उनके मन में आता है, ऐसा अवसर उन लोगों को उपलब्ध होता है। जिन लोगों का अभी काल पका नहीं है, जिनके मिथ्यात्व की गांठ अभी टूटी नहीं है, जिनकी भव परंपरा अभी छूटी नहीं है, जिनके जिनकी ऐसा कह सकते हैं कि जो अभी भी अभव्य हैं, तो ऐसे अभव्यों को, मिथ्या दृष्टियों को इस उत्तराध्यन पे ना रुचि जगती है, न ही श्रवण करने का उनको अवसर मिलता है, और अगर वो सुन भी लें तो उनको समझने का उनको सौभाग्य नहीं मिलता। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि पुनः एक अवसर ऐसा आया है कि इस उत्तराध्यन को सुनने का, भगवान की इस अंतिम देशना को श्रवण करने का सौभाग्य आपको, मुझे, हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो अपने सौभाग्य पर इठलाएं, अपने सौभाग्य का गुणगान गाएं और परमात्मा के प्रति कृतज्ञ हों कि परमात्मा आपकी कृपा से, आपकी करुणा से हमें पुनः यह अवसर मिला है, उसके लिए अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार है परमात्मा का। उत्तराध्यन सूत्र के 36 अध्ययन जो भगवान ने, स्थविरों ने, आचार्यों ने फरमाए हैं, इसमें सबसे पहला अध्ययन है विनय श्रुत। विनय अर्थात विनम्रता, विनय अर्थात जिन शासन का मूल, विनय अर्थात निरपेक्षता, विनय अर्थात वीतरागता, विनय अर्थात राग और द्वेष से रहित भाव, क्योंकि नय का मतलब होता है कोई दृष्टिकोण, कोई विचार, और वी का मतलब होता है रहित होना। आप जब किसी पक्ष और विपक्ष से रहित होकर अपने साम्य भाव में आते हैं, उसी को विनय कहते हैं। यह विनय, यह वीतरागता का भाव, यह कृतज्ञता और आभार का भाव जिन शासन का मूल है। और एक चीज अपने मन में जंचा कर रखिए,
कि अगर आपको एक सांसारिक चीज अगर किसी से उपलब्ध होती तो आप उसके लिए एहसान मंद होते हैं। मान लो कि आपको पैसों की जरूरत थी और आपको किसी से पैसे मिल गए, चाहे उसने ऋण भी दिया तो भी आप कहते हैं कि भैया वक्त पर मेरा काम आया, तो तेरा क्या है, धन्यवाद है। कोई आपको उधार कोई वस्तु दे दे तो आप क्या कहते हैं कि भैया तूने उधार दिया, मुझे चीज की जरूरत थी तूने उधार ही दे दी, बड़ा क्या हुआ, एहसान हुआ। दुनियावी चीजों के लिए इतने एहसान मंद होते हो, इतने कृतज्ञ होते हो। जब सदगुरु स्वयं आत्मा ही सौंप देता है, जब सदगुरु स्वयं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है, जब मुक्ति का दरवाजा खोल देता है, जब अज्ञान के पर्दे हटा देता है, जब परमात्मा जैसा अतुल्य और अनुपम धन हमें सौंप देता है, तो तब जो कृतज्ञता पैदा होती है उसी को विनम्रता कहते हैं। जो शिष्य जिसमें विनम्रता नहीं है, इसका मतलब है कि उसने अभी कुछ पाया नहीं है। याद रखना, जिस पौधे पर फल लगता है वही पौधा झुकता है, फलहीन पौधा तो अकड़ा अकड़ा फिरता है। जिस शिष्य में विनम्रता नहीं है, इसका मतलब है कि लक्षण है कि इसने अभी कुछ पाया नहीं है। जिसने पा लिया वो अपने आप ही क्या हो जाता है, झुक जाता है, वो अपने आप ही झुक जाता है। इसलिए कहा है कि भैया अगर गुरु हो या ना हो, परंतु पता है कि इस दिशा में गुरु है तो उस दिशा में पैर भी नहीं करना, पीठ भी नहीं करना। ये क्या है, एक शिष्य के लिए कि ये कृतज्ञता का लक्षण है कि जिससे हमें आत्मधन जैसा परम धन प्राप्त हुआ है, परमात्मा की अनंत करुणा से साक्षात्कार हुआ है, मुक्ति का दरवाजा खुला है, उन सदगुरु के प्रति मैं क्या करूं, विनम्र रहूं, कृतज्ञ रहूं, प्रेमिल रहूं, स्नेहिल रहूं, श्रद्धालु रहूं, भक्त और भक्ति और भावना से भरपूर रहूं। तो ऐसा ये उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन है जो हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है, जो हमारे जीवन में सद्भावना और सद्भाग्य को जगाता है। तो ऐसा ये अध्ययन, पहले हम इसकी गीतिका को लेंगे और उसके बाद इसका मूल पाठ। मुक्ति पथ में प्रथम पद ही विनय श्रुत का बोध है, इस विनय के आचार से ही मान का परिशोध है। गुरु समर्पित को मिले तत्वार्थ की है पात्रता, फिर तप समाधि युक्त होकर शिष्य पाता पूज्यता, फिर तप समाधि युक्त होकर शिष्य पाता पूज्यता। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संयोग मुक्त अणगार भिक्षु का विनय धर्म अनुक्रम से, बोधि प्राप्ति हित श्रवण करो अपने अंतरतम से। तीन लोक में विनय की महिमा विनय धर्म अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दूसरे पेज पे पांचवी गाथा। अनुशासित वचनों को सुनकर कभी क्रोध न करना, क्षुद्र जनों की करें न संगत हास्य खेल सब तजना। विनय युक्त संयम साधक बन अनुशासन को पालो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। नौवा सूत्र, इस भव पर भव यदि सुख चाहो आत्म दमन ही करना, इंद्रिय मन को वश में करके संयम तप में रहना, क्यों पर के बंधन में बंधना, आत्म सत्व जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। चौथा पेज 20वां सूत्र, उत्तम अश्व को शिक्षा देकर वाहक खुश हो जाते, विनीत शिष्य पर अनुशासन से गुरु भी आनंद पाते, अविनीत से खिन्न है होते गुरु को खूब रिझा लो, जीवन जीवन धन्य बना लो। गुरु शिक्षा को उल्टी माने जिसकी पाप में दृष्टि, उसी सीख को हित कर माने जिसकी सम्यक दृष्टि, गुरु मात है गुरु तात है गुरु से नाव तेरा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कभी कुपित ना करे गुरु को दोष कभी ना निकाले, कुपित हुए तो प्रिय वचनों से उनको अपना बना ले, फिर से भूल न होगी गुरुवर हाथ जोड़ खमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। देव मनुज की देव मनुज से पूजा जाकर विनयवान सरसाता, अशुचि देह को छोड़ एक दिन सिद्धि का पद पाता, अथवा उच्च देव भव पाता जग का बंध छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अब हम मूल पाठ लेंगे, नमो थूणम समणस्य भगवो महावीरस्य, संजोगा विपमुखस अणगारस भिखुणो, विनयम पाहो करिस्सामी आणो पुविम सुणे हमे, आणा निदेश करे गुरु मुआय कारय, इंगियागार संपन्ने से विणिये ति उच्चय, आणा निदेश करे गुरुण मणोवाय कारय, पढ़िणीय असंबुद्धि अविणीय ते उच्चाई, जहा सुणी पोई कन्ने निक सिज्जई, सबसो एवं दुस्सिल पढ़िणीय मुहरि निक सिज्जई,
कर्ण कुण्डगं चैतानं विट्ठं भुञ्जये सुयारो एवं शीलं चैतानं दुःशीले रमाय मे सुनिया भावं साणस सुयरस नरसय विनयठ विजपाणम् इच्छन्तो हि यमपणो तम विनय में सिज्जा शीलम पढ़ी लभ जऊ बुद्ध पुतनिया गठि ननिक सिज्जय कन्होय निसंतेशी ये मोहरी बुद्धाणं वंती ये सिया अठ जुत्ताणी सिखे जानी रठाणी ओ वज्जय अणु सासियोण कुपेजा खंतिम से विज्ज पंडिये खुड्डे हिम सह संसज्ञम हासम कीडम च वज्जय माय चंडालीयम काशी बहुयम माया लवे कालेण ये अहिजिता तौ जायज आह चंडालीयम कटु नैनिन्न विज्ज कयाई विकडम कड़ेति भासे जा अकडम नो कड़ेति ये मांगलिय सेवक संवायण मिच्छे पूणो पूणो कसम वदठु मायण पावगम परी अनासवाथूलवया कुशीला मेऊंपि चंडम पकरन्ति सीसा चित्ताणुलालहु दुखो भवेया पसाये ते हु दुरासयंपि न पुठो वागरे किंचि पुठो वा नालियं वै कोहम सच्चम कुवेजा धारे जापियम अपियम अपाचिव दमे यवो अपाहु खालु दुद्दमो अपादंतो सोई होई असिम लोहे परथये वरमे अपादंतो संजमे तवेण ये महं परेहिं दम्मन्तो वंदनेहिं वहेया परेणीयं च बुद्धाणं वायादुवकमुण आविवाज विवरसे नेव कुज्जकयायिवि न पखाओ न पुराओ नेव किच्चण पिठाओ न जुंजे उरुण उरुं सयणेनो पडिसुणे नेव पल्लथेयं कुज्जा पख पिंडं च संजय पाए पसारे वावीण चिट्ठे गुरुणंतिये आयरिये हिम्वाय तो तुसिणियो न कयाय वि पसाय पेहिनिया गट्टी उव चिट्ठे गुरुम आलवंते लवंते वाणन सैज कयाय वि चयुण मासणम धीरो जौ जत्तम पड़ी आसन गौण पुछे जाणे वसे जागो कयाइवि आग मुकुडो संतो पुछे जा पंजलि एवं विनय जुत्तस सुत्तम मत्सम च तदुभयम पुछे मानस शीसस वागरिज जासुयम मुसंपरी हरे भिकुणय आरिणिम्बय भासादो संपरिहरे मायम च वज्जय सया नैल वैज्य पुठो सावज्जम नैनिरठम नमम्बयम अपणठ परठ वा उभय संतरेण वा समरे सुहागारे सुसंधि सुयम अपहे गोय गतिये सद्यम नेव चिट्ठे न संलवे जम्मे बुद्धाणु सा संति सीएण फरसीण वा ममला भूति पेहाय पयोतम पड़ि सुणे अणु शासन मोवायम दुखडसय चोयणम हियम तम मन्नाय पन्नो विषम होइ हियम विगय भय बुद्ध फरु संपि अनुशासनम विषम तम होइ मूढ़ाणम खन्ति सोहि करम पयम आसने उव चिट्ठे जानुचे अकुए थीरे अपोठाए निरुठाए निसिये जप कुकुए कालेण निखमे भिकु कालेण ये पड़िकमे अकालम च विवज्जिता काले कालम समायरे परिवाड़ियेण चिट्ठे जा भिकु दत्ते सणम चरे पड़िरुवीण ये सीतामियम कालेण भखाए णाए दूरमणा सन्ने नन्ने सिम चखु फासो एगो चिट्ठे ज भत्तठा लंगिता तम नाय कमे नाये उच्चिवणिये वाना सन्ने नाये दूराओ फासुयम परकंडम पिंडम पड़िगाहे ज संजय अप पाड़े पवियम्मे पड़ि छन्नमे संबोड़े संज समयम संजय भुंजे जयम परिसाड़ेयम
ಸುಕಡಿತ್ತಿ ಸುಪಕ್ಕಿತ್ತಿ ಸುಚ್ಛಿನ್ನೆ ಸುಹಡೆ ಮಡೆ ಸುಣಿಠಿಯೆ ಸುಲಠಿತ್ತಿ ಸಾವಜ್ಜಂ ವಜ್ಜಯೇ ಮೋಣಿ ರಮ್ಮಾಯ ಪಂಡಿಯೆ ಸಾ ಸಂಹಾಯಂ ಭದ್ರಂ ವವಾಯೆ ಬಾಲಂ ಸಂಮಾಯೆ ಸಾ ಸಂತೋ ಗಲಿಯ ಸಂವವಾಯೆ ಖಡ್ಡು ಯಾಮೇ ಚ ವೇಡಾಮೆ ಅಕ್ಕೋ ಸಯವಾಯ ಮೇ ಕಲ್ಲಾಣ ಮಾಣು ಸಾ ಸಂತೋ ಪಾವದಿಟ್ಟಿ ಮನ್ನಾಯಿ ಪುತ್ತು ಮೇ ಭಾಯೆ ನಾಯಿತಿ ಸಾಹು ಕಲ್ಲಾಣ ಮನ್ನಾಯಿ ಪಾವದಿಟ್ಟಿಯು ಅಪ್ಪಾಣಂ ಸಾಸಂ ದಾಸಿತ್ತಿ ಮನ್ನಾಯಿ ನೆಕೋವೈ ಆಯರಿಯಂ ಅಪ್ಪಾಣಂ ಪಿ ನೆಕೋವೈ ಬುದ್ಧೋಘಾಯಿಣ ಸಿಯಣ ಸಿಯಾ ತೋತ್ತ ಗವೇಸೈ ಆಯರಿಯಂ ಕುವಿಯಂ ನಚ್ಚ ಪತ್ತಿಯೇಣ ಪಸಾಯ ವಿಜ್ಜ ವಿಜ್ಜ ಪಂಜಲಿ ಉಡು ವೈ ಜನ ಪುಣುತ್ತಿಯ ಧಮ್ಮ ಜಿಯಂ ಚ ವ್ಯವಹಾರಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಆಯರಿಯಂ ಸಯತಮಾಯರಂತೋ ವ್ಯವಹಾರಂ ಗರಹಂ ನಾವಿ ಗಚ್ಚೈ ಮಣೋಗಯಂ ವಕ್ಕಗಯಂ ಜಾಣಿತಾಯರಿಯಸ್ಸವು ತಂ ಪರಿ ಗಿಜ್ಜಿವಾಯಾಯ ಕಮ್ಮೋಣಾವೋವಾಯೇ ವಿತ್ತೆಯ ಚೋಯಿಯೇ ನಿಚ್ಚಂ ಕಿಪ್ಪಮವೈ ಸುಚೋಯಿಯೇ ಜೌ ಇಟ್ಟಂ ಸುಕಯಂ ಕಿಚ್ಚಾಯಂ ಕುವೈ ಸಯ ನಚ್ಚಾಣ ಮೈ ಮೇ ಹಾವಿ ಮಿಲೋಯಿ ಕಿತ್ತಿ ಸೆ ಜಾಯ ಹವಾಯಿ ಕಿಚ್ಚಾಣಂ ಶರಣಂ ಭೂಯಾಣಂ ಜಗೈ ಪೂಜ್ಯಾ ಜಸ್ ಪಸಿಯಂತಿ ಸಂಬುದ್ಧ ಪೂವ ಸಂತೋ ಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಾಭೈ ಸಂತಿ ವ್ಯೂಲಂ ಮಠಿಯಂ ಸುಯಂ ಸ ಪೂಜ್ಯ ಸತ್ಯೇ ಸುವಿಣೀಯ ಸಂಶಯ ಮನೋರುಹಿ ಚಿಟ್ಟಯ ಕಮ್ಮ ಸಂಪಯ ತವೋ ಸಮಾಯಾರಿ ಸಮಾಹಿ ಸಂವುಡೆ ಮಹಜುಯಿ ಪಂಚವಯಾಯ ಪಾಲಿಯ ಸದೇವ ಗಂಧವ ಮನುಸ್ಸ ಪೂಯ್ಯೇ ಚೈತು ದೇಹಂ ಮಲಪಂಕ ಪೂವಯಂ ಸಿದ್ಧೇ ವಾಹವೈ ಸಾಸೈ ದೇವೇವಾ ಅಪ್ಪರೈ ಮಹೇ ಧಿಯೇತಿ ವಿಮಿ. ಆಜ್ ಕಿ ವಾಚನ ಇತ್ನಿ ಹಿ ರಹನೆ ದೇತೆ ಹೈ ಔರ್ ಆಗೆ ಭಿ ಉತ್ತರಾಧ್ಯಯನ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಜಿತ್ನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಹೈ ಉನ್ ಸಬ್ ಕಿ ಮೂಲ ವಾಚನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಉನ್ಕಾ ಭಾವಾರ್ಥ ಔರ್ ಜೊ ಅರ್ಥ ಗೀತಿಕಾ ಹೈ ಉಸ್ ಸಬ್ಕಾ ಹಮ್ ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಭ ಲೇತೆ ರಹೆಂಗೆ. ಅಬ್ ಆಗಮಿ ಕಾ ಪಾಠ ಪಡೆಂಗೆ, ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಶ್ರೀ ಆಗಮಿ ಟಿವಿ ಹೈ ಪುನತ್ಯ ತೀರಹ ಸತ್ಯಾಗಮಿ ಧಾಮ ಯಹೋವಾ ಶ್ರೀ ಜಾನಕಿ ವಿಷಯ ಜೋ ಕೋ ಇತಿ ಚಾಲಗ ಹೋತಿ ಮ್ಯಾಲೋ ಜಂವಾಯದಂ ವಚಾಮೇಲಿಯಂ ಹೆಣಕ್ಕರಂ ಅಚಕ್ಕರಂ ಪೈಹೆಣಂ ವಿಣಹೆಣಂ ಜೋಘೇಣಂ ಘೋಷೇಣಂ ಸುಟ್ಟುದಿನಂ ದುಟ್ಟು ಪಡಿಚಿನ್ನಂ ಅಕಾಲೇ ಕೌಸಜ್ಜವ ಕಾಲೇ ನ ಕೌಸಜ್ಜವ ಕಾಲೇ ನ ಕೌಸಜ್ಜವ ಸಜ್ಜಾಯ್ಯಂ ಅಸಜ್ಜಾಯ್ಯಂ ಅಸಜ್ಜಾಯ್ಯಂ ಸಜ್ಜಾಯ್ಯಂ ಜೋ ಮೇ ದಿವಸಿ. ಧಮ್ಮೋ ಮಂಗಲ ಮುಖಿಠ ಅಹಿಂಸಾ ಸಂಯಮೋತ ದೇವಾವಿತಂ ನಮಂ ಸಂತಿ ಜಸ ಧಮ್ಮೇ ಸಾಯ ಮಾಣೋ ದುನಿಯಾ ಕಿ ಚರಾಚರ ಜೀವೋ ಪರ ಕರ್ಮೋನೆ ಜಾಲ ಕ್ಯಾ ಸಾಧು ಗ್ರಸ್ತ ಕ್ಯಾ ಬಾಲ ವೃದ್ಧ ಬಸ್ ಕೋಯಿ ನ ಬಚನೆ ಪಾಯಾ ಹೈ ಅತಿ ಶುಭ ಕರ್ಮೋ ಕೇ ಆನೆ ಸೇ ಸಂತೋ ಕಾ ಸಮಾಗಮ ಮಿಲತಾ ಹೈ ಜಿನ ವಾಣೀ ಶರವಣ ಕರ್ನೆ ಸೇ ದುಃಖ ಜನಮ ಮರಣ ಕಾ ಮಿಟತಾ ಹೈ ಅಹಿಂಸೆಯಂ ಕರುಣಾ ಕೇ ಅವತಾರ ಶ್ರಮಣ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಕೆ ಪೌನ್ ಪುನಿ ಚರಣೋ ಮೇ ಸಾದರ್ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ಯುಗ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಮುನಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾಹಬ್, ಸಂಘ ಗೌರವ ಉಪ ಪ್ರವರ್ತಕ ಪರಮ ಸೇವಾ ಭಾವಿ ಗುರುದೇವ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ್ ಸುಖ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾಹಬ್, ಸರಳ ಮನ ಉಪ ಪ್ರವರ್ತಕ ಭಂತೆ ಶ್ರೀ ಪಾರಸ್ ಮುನಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಪೌನ್ ಪುನಿ ಚರಣೋ ಮೇ ಸಾದರ್ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಆದರಣೀಯ ಮುನಿವೃಂದ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಧರ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ಬಂಧುವೋ, ಮಾತಾವ್ ಏವಂ ಬಹನೋ, ಉತ್ತರಾಧ್ಯಯನ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕಿ ವಾಚನ ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್
आप प्रत्येक रविवार को कुछ न कुछ विषय के बारे में सुन रहे हैं और पिछले रविवार को आपके सामने श्री ठाणांग सूत्र के कुछ सूत्रों की चर्चा की थी। ठाणांग सूत्र जो भगवान महावीर की वाणी है और ठाणांग सूत्र में एक से लेकर के दस तक की संख्या के संबंध में जो भी कुछ तात्विक विषय हैं, अनेक प्रकार के विषय हैं, उन सबका वर्णन प्राप्त होता है। तीसरा ठाणा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और ये आपको बतला दूं कि सभी सूत्रों की चर्चा नहीं, केवल चुनिंदा सूत्रों की चर्चा आपके सामने की जाएगी। तीसरे ठाणे में एक सूत्र दिया है, तवो लेसा दुब्बी गंधाव पनत्ता तंजहा, कन्न लेसा नील लेसा काउ लेसा, तवो लेसा सुब्बी गंधाव पन्नत्ता तंजहा, तेव लेसा पम्ह लेसा सुक लेसा। अर्थात यहाँ पर कहा गया है तीन तीन प्रकार के कुल मिलाकर के छह लेशाएं हैं और छह लेशाओं में कहा गया कि तीन प्रकार की लेशा दुर्बी गंध वाली हैं और तीन प्रकार की लेशाएं सुरबी गंध वाली हैं। दुर्बी गंध कहते हैं जिनकी गंध गंदी है, बेकार है, सूंघने लायक नहीं है, नाक सड़ जाए, ऐसी दुर्बी गंध वाली लेशाएं हैं। और तीन प्रकार की सुरबी गंध अच्छे गंध वाली हैं, शुभ गंध वाली हैं, जो सूंघने में हमारे को प्रिय लगता है। शहर में कहीं कोई गटर हो, पूरे शहर भर का मलमूत्र वहां पर सड़ रहा हो तो कितनी भयंकर दुर्गंध पैदा होती है, कोई व्यक्ति सूंघना पसंद नहीं करता है। पास में से भी गुजरता है तो नाक पर रुमाल लगा करके गुजरने का प्रयत्न करता है कि भी कोई गंध, ये दुर्बी गंध मेरी नाक में प्रवेश ना कर जाए, मेरा जी खराब हो जाएगा, ऐसा प्रयत्न करता है। कहीं किसी बाग बगीचे में गुलाब के फूल खिले हुए हों, चमेली के फूल खिले हुए हों, व्यक्ति गहरी लंबी सांस लेने की कोशिश करता है कि ये सुगंध ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शरीर में प्रवेश कर जाए। शादी विवाह में जाने से पहले विभिन्न प्रकार के इत्र फुलेल छिड़क करके जाने वाले लोग सुरभि गंध को कितना प्रिय मानते, कितना अच्छा मानते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में लेशाएँ भी शुभ भी हैं, अशुभ भी हैं, दुर्भि गंध वाली भी हैं और सुरभि गंध वाली भी हैं। और प्रारंभ की तीन लेशाओं को अशुभ माना है, दुर्भि गंध वाली लेशा माना है और बाद की तीन लेशाओं को शुभ, उत्तम, अच्छी, सुरभि गंध वाली जो है लेशा माना गया है। हमारे जीवन में शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, अनेक प्रकार के विरोधाभास हमारे जीवन में भरे पड़े हैं। हमेशा हमारे मन के मुताबिक अच्छा ही अच्छा नहीं होता, बुरा भी होता है। जहाँ बुरा ही बुरा दिखता है वहाँ अच्छा भी होता है। तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विरोधाभास देखने में आते हैं। घर में चार छः आठ मेंबर हैं, कोई बीमार है, कोई बिल्कुल स्वस्थ है और ये बीमार स्वस्थ स्वस्थ बीमार की स्थितियां चलती रहती हैं। एक व्यक्ति है जो लगातार जो है लाभ ही लाभ कमा रहा है और एक व्यक्ति हमेशा हानि हानि देख रहा है। कोई बहुत समझदार दिखाई देता है, कोई पागलपन में दिखाई देता है। तो अनेक प्रकार के विरोधाभास हमारे आपके सभी के जीवन के अंदर देखने भालने में आते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, यहाँ जो शब्द आया लेश्या, लेश्या का सिंपल सादा सा अर्थ है हमारा भाव जगत, हमारे विचारों का जगत। और हमारे भाव, हमारे विचार हमेशा अच्छे नहीं होते, हमेशा बुरे नहीं होते, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। लेकिन हमें प्रयत्न क्या करना है कि हमारे भाव, हमारे विचार हमेशा अच्छे बने, निर्मल बने, उज्जवल बने और ऐसे अच्छे विचारों को अपने जीवन में व्यक्ति स्थान दे करके चलने का प्रयास करे। हमारे जीवन में जो हमारे भाव हैं, इन भावों का और हमारे विचारों का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। अच्छे विचार हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुरे भाव बुरे विचार हैं तो हमारे भाव खराब हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी उनसे प्रभावित होता है। आप कल्पना करें, जिस समय आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आ रही है, घृणा आ रही है, द्वेष आ रहा है, आपका मन मानस दूषित हो जाता है, क्लेशित हो जाता है, हमेशा दूसरों के प्रति गलत भावनाएं मन में पैदा होती है। क्यों? क्योंकि आपके भाव आपके विचार अच्छे नहीं हैं। जब आपके भाव आपके विचार अच्छे होते हैं, निर्मल होते हैं
औरों की भलाई के लिए होते हैं, परोपकार के लिए होते हैं, तो आप एक हल्कापन महसूस करते हैं, मानसिक शांति रहती है, कोई सिर में दर्द नहीं होता है, उत्साह उमंग बनी रहती है, परोपकार करना है, चैरिटी के काम करने, औरों के लिए उत्तम सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे अच्छे निर्मल भाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को जो है वो अच्छा बनाते हैं। आवश्यकता है कि हम अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए अपने भाव, अपने विचारों को अच्छा बनाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। आज वर्तमान में व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जहां दुनिया भर के डॉक्टर MBBS MD करके बैठे हैं, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां देखने में आ रही हैं, और लोग बाग जो है कैप्सूल, गोली, इंजेक्शन, दुनिया भर के मेडिकल सहायताओं को आलंबन लेते हैं, वहीं वर्तमान में विज्ञान का एक पक्ष ये भी मानता है कि यदि आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो ध्यान और दीर्घ श्वास प्रेक्षा ये दोनों आप करें, ध्यान मेडिटेशन। आज वर्तमान में ध्यान का जो स्वरूप है काफ़ी व्यापक हो रहा है, था तो प्राचीन काल में भी, लेकिन बीच के काल में थोड़ा ओझल हो गया। वर्तमान में विभिन्न धर्म परंपराओं के लोग और गुरुजन जो है ध्यान के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर काफ़ी जोर दे रहे हैं। 13 पंथ में प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग वर्षों से चल रहा है। हमारे स्थानकवासी समाज में श्रमण संघ के आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज ध्यान के ऊपर पिछले अनेक वर्षों से काफी जोर दे रहे हैं। यदि हम प्रवचनों में आपको धर्म और अध्यात्म की थ्योरी बतलाते हैं तो वो आपको प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। साइंस का विद्यार्थी केवल थ्योरी 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 पढ़ता रहे, नोट्स बनाता रहे, लेकिन कभी लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट ना करे, प्रयोग ना करे, तो वो है थ्योरिया सिवाय माथा पच्ची के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे में ध्यान जो है ये प्रयोग है, और ध्यान का प्रयोग करने वाले लोग जब ध्यान का आंतरिक आनंद प्राप्त करते हैं तो उन्हें ये निश्चित तौर पर महसूस होता है, ठीक है अब तक मैं बाहर की दुनिया में था, लेकिन अब मैं ध्यान के द्वारा अंदर की दुनिया को एहसास कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि आंतरिक दुनिया कितनी शांत, कितनी सुंदर, कितनी निर्मल, कितनी अच्छी है। तो उस दिशा में बढ़ने के लिए कहा है कि यदि आप अपने शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो आप ध्यान करें और दीर्घ श्वास की साधना करें। दीर्घ श्वास को साधने का अभ्यास प्रयास जो है वो आपको करना चाहिए। हमारे आपके जीवन में जिस समय गुस्सा आता है, क्रोध आता है, विचारों की उत्तेजना आती है, हमारी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, श्वास फास्ट चलने लगता है, और उस फास्ट चलने में कई बार हमारे शब्दों का संतुलन खो जाता है, कहना कुछ चाहते थे निकल कुछ और रहा है, बिल्कुल अंदर से उत्तेजना जगी हुई है, श्वास बिल्कुल छोटा 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 चल रहा है। लेकिन जब आप शांत भाव से लंबा गहरा श्वास लेते हैं और धीरे धीरे आप उसे छोड़ते हैं, उसमें आपके विचार शांत बनते हैं, और शांत विचारों का संबंध आपके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं ठीक है हमने तो दवाई दे दी, लेकिन इन दिनों आप आराम करो, विश्राम करो, किसी प्रकार का स्ट्रेस तुम्हारे मन मानस पर नहीं आना चाहिए, भाग दौड़ तो करो लेकिन सीमित करो, संतुलित करो। वो भाग दौड़ के लिए मना करते हैं। हार्ट वाले पेशेंट को कहते हैं भैया दुनिया के काम तो करो लेकिन अपनी हार्ट की गति पर भी ध्यान दो, संतुलित होकर के आप चलिए। जो लोग अपने जीवन के अंदर अपने श्वास की साधना को साध लेते हैं उनकी उम्र लंबी होती है, उत्तम स्वास्थ्य होता है, और वो लंबे समय तक जीवन को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जीवन में आवश्यकता है कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो दीर्घ श्वास की साधना और लेश्य अपने जीवन में ध्यान को साधना ये आवश्यक है। जब आप अपने भाव की चिंता करते हैं तो समझो आप लेश्य की चिंता कर रहे हैं। लेश्य क्या है? आपके भाव हैं, और जो अभी आप सुनेंगे समझेंगे आपको मालूम पड़ेगा। आप लोग
यहाँ आते हैं, धर्म सुनते हैं, और हमारे से पहले अनेक विद्वान साधु साधुओं को आपने पढ़ा है, जाना है, सुना है, स्वाध्याय किया है, प्रवचन सुने हैं, तो बार बार घूम फिर करके सबके प्रवचनों का निचोड़ एक ही होता है, भाव शुद्धि। आप और हम बात बात में आपस में कहते हैं, अरे तू समय करता, तेरे भाव तो बड़े खराब हैं, भाव खराब नहीं करने, भाव अपने अच्छे रखने हैं, वो सामने वाला क्या करता उसको छोड़, अपने भावों पर ध्यान दे। तो भाव शुद्धि पर हम बार बार जोर देते हैं कि भैया गोचरी बहरानी है तो अच्छे भावों से बहराओ, दान देना है अच्छे भावनाओं से बहराओ, तप करना है अच्छी भावना से तप करो, आपके भाव निर्मल अच्छे सुंदर होने चाहिए। यदि भाव खराब हैं तो आपके लेशय खराब हैं, भाव अच्छे हैं तो आपकी लेशय अच्छी हैं। तो इसलिए अपने भावनाओं को हम निर्मल शुद्ध अच्छा बनाने पर बार बार ध्यान दें। प्रतिकर्मण आपको क्या प्रेरणा देता है कि आपके भाव यदि विकृत हैं तो आप प्रतिकर्मण करके अपने भावों को ठीक करें, जहां गलती पर इच्छा में दुकड़म करें, अपने आप को ठीक निर्मल बनाने की भावना आपके जीवन में होनी चाहिए। जीवन में दो चीज हैं, एक है भाव और एक है विचार। आम आदमी कहेगा दोनों एक ही तो बात है, लेकिन आम आदमी क्या कहते तो उसे छोड़ दें, लेकिन ये विचार करके चलें, भाव और विचारों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जीवन में आप देखेंगे कि भावों का जो संबंध है वो आपके कषायों के साथ जुड़ा हुआ है, और विचारों का संबंध आपके मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों में थोड़ा अंतर है। हम अपने भावों को भी संभालें और विचारों को भी संभालें। एक व्यक्ति है, किसी खास विचारधारा को पढ़ता है, खास विचारधारा को सुनता है, तो धीरे धीरे अपने मस्तिष्क के द्वारा वो उसी विचारधारा का अनुयायी बन जाता है। एक व्यक्ति है, अनेक विचारों को पढ़ता है, अनेक धर्म दर्शनों को पढ़ता है, अनेक विचारकों, चिंतकों, दार्शनिकों को पढ़ता है, तो उसका वैचारिक संतुलन जो है वो सुंदर होता है, अच्छा होता है, सकारात्मक होता है। तो जीवन के अंदर हम जो हैं अपने भाव और अपने विचार दोनों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। अब कषाय की जहाँ तक बात है, क्रोध, मान, माया, लोभ हम खूब कहते हैं और खूब सुनते हैं, लेकिन आदमी पल प्रतिपल चिंतन करे कि मेरे जीवन के अंदर मेरे भावों पर क्रोध हावी है, मान हावी है, माया हावी है, लोभ हावी है, तो हावी है तो मैं इससे बाहर निकलूं, इनको अपने आप के ऊपर, अपने भावों पर मैं हावी होने ना दूं, उनसे बचने का हर संभव जो है वो प्रयास अपने जीवन में करे। कहा गया है कि जितने जितने कषाय हमारे क्षीण होते हैं यानी कमजोर होते हैं, उतना उतना जो है हमारा मोह भी कमजोर होता चलता है। अब स्वाभाविक सी बात है, कषाय कम हो रहे हैं और मोह कम हो रहा है, तो आप अपने जीवन में सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और जितना जितना मोह की तीव्रता आपके जीवन में है, मोह की प्रबलता है, तो आपके जीवन में कृष्ण लेसिया, नील लेसिया, कापोत लेसिया ये प्रबल हो जाती हैं, शक्तिशाली हो जाती हैं। आप नए नए कर्मों का बंधन बांधते हैं, नित्य नवीन मानसिक कलेश, अशांति, दुख, पीड़ाओं को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मूल में मोह की प्रबलता है, और मोह की प्रबलता से तीनों प्रकार की अशुभ लेश्याएं, दुर्विगंध वाली लेश्याएं, ये आपके जीवन में जो है मजबूत होती चली जाती हैं। कहा है, जहां जहां कषाय मंद हैं, हल्के हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आपको बहुत पीड़ित नहीं करते हैं, हल्का सा स्पर्श करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या, ये शुभ लेश्याएं, उत्तम लेश्याएं, सुरभि गंध वाली लेश्याएं, ये आपके जीवन में प्रबल बनती हैं, सुंदर आपके जीवन को बनाती, अच्छी दिशा में आपके जीवन को लेकर के चलती हैं। कहा गया है कि तीन प्रकार की जो लेश्याएं हैं, प्रारंभ वाली, अशुभ वाली, दुर्विगंध वाली, उनके लिए कहा है कि वह रंग के हिसाब से काली हैं और अप्रशस्त हैं यानी अच्छी नहीं है, और स्वभाव से वो रूखी हैं और वो गर्म है, यानी कि लेश्याएं, प्रारंभ की जो तीन लेश्याएं हैं,
ये किसी भी प्रकार से आपके जीवन में अच्छी नहीं है, अनुकूल नहीं है। बाद की जो तीन लेशियाएं जिनको सुरभि गंध वाला कहा है, अच्छा कहा गया उनके बारे में कहा है कि वे अच्छी लेशियाएं जो है प्रकाशमान है, रोशनी वाली है, चमक वाली है और प्रशस्त हैं, आचरण के योग्य हैं, चिकनी हैं और स्वभाव से ठंडी हैं। ऐसी लेशियाएं आपके जीवन में आदर के योग्य हैं, आचरण के योग्य हैं और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अशुभ लेशियाओं को छोड़ करके शुभ लेशिया की ओर बढ़ूं। मैं अपने भावों को जो उसमें अशुद्धि है, कालिमा है, उसे छोड़ करके मैं निर्मल भावों की ओर अपने आपके जीवन को बढ़ाऊं। कहा गया कि कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, ये तीन प्रकार की लेशियाओं की प्रबलता जिन लोगों के जीवन में होती है उन लोगों के लक्षण बतलाए गए हैं कि इन तीन प्रकार की अशुभ लेशिया वाले व्यक्ति के स्वभाव में क्या क्या गड़बड़ होती है। कहा है ऐसी अशुभ लेशिया वाले लोग हिंसात्मक विचारों के होते हैं, मरने मारने में भरोसा रखते हैं, दूसरों का खून खराबा करने में विश्वास रखते हैं, उन्हें झूठ बोलने में कोई परहेज नहीं होता, जितना मर्जी झूठ बुलवा लो झूठ उनकी जबान पर मौजूद रहता है, चोरी करने में ऐसे लोग अशुभ लेशिया वाले संकोच नहीं करते। और ये अशुभ लेशिया वाले जो होते हैं इनमें ईर्ष्या की प्रबलता होती है, दूसरों की तरक्की, दूसरों का विकास, दूसरों की उन्नति देख करके जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, डहा करते हैं और हमेशा अपने उल्टे सीधे काम भी करते रहते हैं और शोक संतप्त रहते हैं, इन्हें सफलताएं नहीं मिलती, रोते झींकते रहते हैं, शोक में डूबे रहते हैं क्योंकि उनके जीवन में प्रसन्नता खुशहाली होती ही नहीं है। और ऐसी अशुभ लेशिया वाले के जीवन के अंदर हमेशा घृणा के भाव भरे रहते हैं, वो औरों के साथ घृणा करते हैं। आज भी आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, शहरी ग्रामीण के नाम पर, परदेशी स्वदेशी के नाम पर दुनिया भर की घृणा फैलाने वाले लोग हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी जो लगातार घृणा पैदा करते हैं। और ऐसे अशुभ लेशिया वाले लोग स्वयं भय से ग्रसित रहते हैं और भयभीत व्यक्ति जो है निर्भय कहाँ से होएगा, वो दूसरों पर हमेशा डर भय सवार करने का प्रयत्न करता है, स्वयं अंदर से भयभीत रहता है। तो ऐसी अशुभ स्थितियां उन अशुभ लेशिया वालों के जीवन में बहुतायत देखने में आती है। बाद में कहा कि तीन प्रकार की शुभ अच्छी प्रशस्त लेशिया वाले जो लोग हैं जिनके जीवन में तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया की प्रबलता है, ऐसे लोग अपने जीवन में उनके लक्षण बतलाते कहा है कि वो लोग स्वभाव से अभय होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई डर भय काम नहीं करता, ना तो उन्हें मौत का भय सताता है। अब आप कहोगे भी मौत का भय ना सताने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है मारने मरने विश्वास रखता है, ऐसा नहीं है। अब आप देखेंगे कि हमारे धर्म परंपरा में साधु और गृहस्थी लोग संथारा लेने में विश्वास करते हैं। अब संथारा कौन करता है, जो अंदर से निर्भय है, जिसे किसी प्रकार का भय नहीं है, जिसको ये पता है कि मैंने अपना जीवन बड़े अच्छे धार्मिक रीति के साथ, उत्तम निर्मल भावनाओं के साथ जिया है, जहाँ जन्म है, जीवन है, वहाँ मरण भी निश्चित है, और मरण निश्चित है तो आएगा, और मुझे अपना संथारा लेकर के मृत्यु का वर्ण करना है, तो वो निर्भय रहता है, अभय रहता है, उसमें किसी प्रकार का डर भय जो है नहीं समाता है। और ऐसे जो निर्भय लोग होते हैं वो साधना की दृष्टि से बड़े निर्मलता के साथ साधना के मार्ग पर चलते रहते हैं। और फिर कहा कि ऐसे लोग मैत्री भाव के साथ भरे रहते हैं, उनके मन में किसी के लिए मैत्री के विरुद्ध कोई भी भाव नहीं होता कि दूसरों के साथ दुश्मनी पालें, विरोध पालें, उन्हें सब अपने लोग लगते हैं, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं। तो मैत्री का भाव किस में आएगा, अच्छी निर्मल पवित्र जो है भावना वाले, भव्य अच्छी लेशिया वाले, ऐसे लोगों के जीवन में मैत्री का भाव आएगा।
और मैत्री का जब विस्तार होता है तो मनुष्यों तक मैत्री सीमित ना रह करके पशु पक्षी जगत तक भी जो है मैत्री का भाव चला जाता है। तो हमें ऐसी ही मैत्री का जो है अपने जीवन के अंदर विकास करना है। ऐसी शुभ लेशा वाले लोग प्रकृति से बड़े शांत होते हैं, समस्या कितनी ही बड़ी आ जाए बड़े धैर्य से सुनेंगे, केवल एक दिमाग लगाते हैं इस समस्या का समाधान क्या है, हाथ पांव नहीं फुलाते, बेचैन परेशान अशांत नहीं होते, वो प्रकृति से बड़े शांत होते हैं और शांति के साथ समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। और ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से जितेंद्रिय होते हैं, अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं होते हैं, पांचों प्रकार की इंद्रियों के विषयों में बहते नहीं हैं, उन्हें कंट्रोल करना नियंत्रण करना आता है और वो इंद्रियों के गुलाम बन करके नहीं जीते हैं। कान से क्या सुनना क्या नहीं सुनना, आँख से क्या देखना क्या नहीं देखना, नाक से क्या सूंघना क्या नहीं सूंघना, जीभ से क्या चखना क्या नहीं चखना, और स्पर्श के द्वारा कहाँ स्पर्श करना कहाँ नहीं करना, किसका करना किसका नहीं करना, ये सब बातें इसमें समाहित हो जाती हैं। आजकल समाचार पत्रों में एक विषय छाया हुआ है मी टू। अब मी टू में बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के नाम, फिल्म अभिनेताओं के नाम, लेखकों के नाम, कई लोगों के नाम आ रहे हैं। ये तो बहुत थोड़े से नाम बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे नाम तो छुपे रह जाएंगे। इतना साहस महिलाएं भी नहीं कर पाती हैं कि जीवन में यदि कुछ बदरंग हुआ है, किसी ने कुछ अभद्र व्यवहार किया है, तो हम अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़कर किस बात को उजागर कर ही दें। ये साहस सम्य नहीं होता। भारत भारत है, विदेशों का कल्चर थोड़ा अलग है, यहाँ ठीक है नए और पुरानों का मिक्सचर हमारे देश के अंदर है, लेकिन जब कभी भी जिस किसी भी व्यक्ति या महिला के जीवन में ऐसी कोई घटना घटी होगी तो उसके मूल में भावनाएं तो होती होती हैं, स्पर्श का आकर्षण भी होता है, और वो स्पर्श का आकर्षण जो कई बार अच्छे अच्छे लोगों को धूल में मिला देता है, उनको ध्वस्त कर देता है। आवश्यकता है कि जीवन में इस बात का ध्यान रखना कि इंद्रिय विजेता, इंद्रिय जय, कि वह अपनी इंद्रियों का गुलाम ना बने, सहजता से जीवन को जिए और इंद्रियों के विषयों पर जीतने का भाव बना करके चले। और शुभ लेशिया वालों के लिए कहा है कि वह लोग स्वभाव से क्षमा देने वाले होते हैं, हमेशा क्षमा का भाव रखते हैं, विरोधी को भी क्षमा देने का साहस उनके अंदर होता है। तो इस प्रकार ऐसी जो भावनाएं हैं, ऐसी जो जीवन में स्थितियां हैं, ये अच्छी लेशिया वाले लोगों के जीवन में आती हैं। अभी आप लोगों ने इन लेशियाओं के जो नाम सुने हैं, हालांकि आप पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन लेशियाओं के नाम का जब उच्चारण करते हैं तो उनमें ऐसा लगता है कि रंगों के नाम से कुछ आ रहे हैं। तो रंगों का आपके हमारे सभी के जीवन में बड़ा भारी महत्व है। रंगों का अपना एक विज्ञान है और रंगों के विज्ञान में आप देखेंगे, आपके घर में 4 साल का पोता पोती है, 1 दर्जन ड्रेस आपने उसके सामने रख दी, बच्चा है, वो कलर और डिजाइन को देखता है और ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था, उस पर उंगली रखेगा, वही वो लेगा, वही वो पहनेगा, चाहे बाकी ड्रेस कितनी महंगी हो, उसका अपना पसंद है। बड़े होने के बावजूद भी पुरुषों और महिलाओं में रंगों का आकर्षण बना रहता है। मकान की बाहर की अंदर की दीवारों का कलर कैसा हो, हर व्यक्ति की अपनी च्वाइस है, हर व्यक्ति रंगों को अपने अपने तरीके से देखता है। तो कहा गया है कि पीला रंग, लाल रंग और सफेद रंग, ये तीनों जो रंग हैं, इन तीनों रंगों को जो व्यक्ति अपने जीवन में विशेष स्थान देता है या इन रंगों का मानसिक तौर पर ज्यादा चिंतन करता है, ध्यान करता है, तो तीनों रंग जो है व्यक्ति की भाव शुद्धि में भूमिका अदा करते हैं। भाव शुद्धि का संबंध जो है इन तीनों रंगों के ध्यान के साथ जुड़ा हुआ है। तंत्र शास्त्र में कहा जाता है कि शरद ऋतु की
संध्या की वेला में जैसे शाम के समय सूर्य अस्त का समय हो रहा है तो सूरज जब पश्चिम की ओर जाता है तो उसका रंग जो होता है बड़ा नारंगी होता है, गुलाबी होता है। उस समय उस रंग का जो ध्यान करते हैं वह अपने जीवन में भावों की शुद्धि की दिशा में अपने आप को बढ़ाते हैं। और ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रयोग और बतलाए गए हैं कि नासाग्र नाक का अगला जो हिस्सा है उस पर भी ध्यान करने का विधान है। कहा गया कि जो लोग श्वेत और स्वर्ण रंग का यानी गोल्डन कलर का सोने जैसे रंग का नाक के अग्र भाग पर कल्पना करके ध्यान करते हैं तो ऐसे ध्यान के बार बार करने से भावों की शुद्धि होती है और दूषित भावनाएं बुरी भावनाएं हमारे मन से समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा विवेक ऐसा समझ कौन लोग रख पाते हैं? बहुत ही कम लोग जो इसका ध्यान कर पाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हम कल्पना करें कि श्वेत वर्ण में खुले आकाश के अंदर अरहम लिखा हुआ है, कल्पना करें, और बार बार उस श्वेत रंग के अरहम का हम ध्यान करें तो बार बार श्वेत रंग के अरहम का ध्यान करने से कई प्रकार की हमारी आधी व्याधियां जो हैं इनका शमन हो जाता है, ये शांत हो जाती हैं। और अरुण वर्ण का यानी गुलाबी रंग का ध्यान करने से हमारे मन की दुर्बलताएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और ये ध्यान रहे कि मन जितना जितना दुर्बल होता है उतना उतना व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता चला जाता है। और ऐसे कमजोर लोग जीवन में कई बार हताश निराश होकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि उनका मन कमजोर है, हर बात में निराश हो जाते हैं। थोड़ा सा काम धंधे व्यापार में नुकसान हो गया तो मायूस हो गए, कर्जा चढ़ गया तो निराश हो गए, जीवन में सफलता नहीं मिली तो निराश हो गए। और ऐसे कमजोर मन वाले लोग हताशा निराशा के क्षणों में आत्महत्या तक जो है कर लेते हैं। और ऐसे कमजोर मन वाले घरों में समाज में आपके अड़ोस पड़ोस में खूब देखने को मिलेंगे। ऐसे लोगों को एक सलाह देनी चाहिए कि आप सिंदूरी लाल रंग का जो है ध्यान करें, बार बार ध्यान करें। ध्यान करने से विचार बदलेंगे, मन में एक ऊर्जा का संचार जो है वो जीवन में होगा। हमारी भारतीय संस्कृति में अमीर गरीब गांव देहात शहरी कोई भी व्यक्ति हो जब उनके घर परिवारों में शादियां होती हैं तो बेटी बहू को जो उस समय जोड़ा पहनाया जाता है वो ज्यादातर महरूम लाल रंग का कपड़े पहनाए जाते हैं। लाल रंग जो है उसके जीवन में एक ऊर्जा एक ताकत एक शक्ति का संचार करता है। आपके शरीर में लाल रंग का खून बहता है, कल्पना करो खून ना हो, खून कम हो तो शरीर कैसे व्याधिग्रस्त हो जाता है। तो लाल रंग जो है सक्रियता का क्रांति का प्रतीक है। तो ऐसे जीवन के अंदर हम मायूसी को छोड़ करके अच्छे ध्यानों को अपने जीवन में स्थान दें, अच्छे रंगों को अपने जीवन में स्थान दें और मन को ताकत देने के लिए भावों की शुद्धि के लिए शब्दों की भी बड़ी भारी भूमिका है। आप देखते हैं कि कैंसर का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, समझदार डॉक्टर को मालूम है कि इसको कैंसर है और आज की तारीख में उसका कुछ ढंग से इलाज भी नहीं है ऐसा डॉक्टर के दिमाग में है, फिर भी डॉक्टर मरीज को क्या कहता है, आप घबराओ मत, इस समस्या के बहुत समाधान है, आज विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया है, अरे ऐसे मरीज मेरे पास बहुत आए हैं, मैंने बिल्कुल ठीक कर दिए हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो मरीज में एक हिम्मत आ जाती है, डॉक्टर ने क्या बोले, केवल शब्द बोले। और साधु क्या बोलते हैं, आप साधु के पास जाएं, आपने ज्यादा आग्रह किया तो कुछ जाप लिख के दे देंगे, कोई पाठ बतला देंगे, कुछ और चीज दे देंगे, लेकिन साधु जब आपको शब्दों से आलंबन देता है, प्रवचनों में हम आपको शब्दों की ताकत देते हैं, आपके मन में निराशा आशा में बदल जाती है और आप अपने जीवन में पॉजिटिव सोचते हैं क्योंकि आपको शब्दों का आलंबन मिल गया। प्रवचन के अलावा भी कोई व्यक्ति साधु के पास अलग से आके बैठता है, अपने घर गृहस्थी के सुख दुख कहता है, साधु उसको कर्म के बारे में बतलाएगा,
पाप पुण्य के बारे में बतलाएगा, फिर कहेगा कि देखो आने वाला समय तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में लोगों के जीवन के अंदर विचारों का आलंबन मिलकर के वो संभल जाता है और अच्छी दिशा में बढ़ना प्रारंभ कर देता है। मैंने देखा कि हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान लेखक नहीं थे, लेकिन एक साधुओं में जो एक साधुपना होता है वो सारे गुण उनके जीवन में विद्यमान थे। मैंने स्वयं देखा, अनुभव किया कि बहुत सारे ऐसे मायूस, उदास, निराश लोग उनके जीवन में आए, उन्होंने केवल शब्दों से उनका मनोबल बढ़ाया। और उनमें मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, यदि वो गुरुदेव के सानिध्य में वो लोग ना आते तो शायद वो आत्महत्या कर लेते, शायद वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते या जीवन में नास्तिक हो जाते, गलत दिशा में बढ़ जाते। लेकिन गुरुदेव ने शब्दों से आलंबन दिया, साहस बंधाया, हिम्मत बंधाई, परिणाम ये निकला कि उन लोगों का जीवन संभल गया। तो शब्द बड़ी भारी ताकत रखते हैं और हमें शब्दों के माध्यम से अपने भावों को हमेशा शुद्ध, निर्मल, अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरा मानना है और मेरा अनुभव है कि जो लोग स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करने वाले लोगों के जीवन में कई बार निराशाजनक स्थितियां तो आती हैं, बड़े विपरीत प्रसंग तो आते हैं, लेकिन अपने शब्द ज्ञान के द्वारा वे अपने आप को संभाल लेते हैं, निराश नहीं होते, आशा बना करके रखते हैं और संभल करके पॉजिटिव सोच बना करके अपने जीवन में वैचारिक संघर्ष से बाहर आ जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो आवश्यकता है आप अपनी लेशाओं को संभालें। लेशाओं को संभालने के लिए अपने वचन, शब्द, भाषा सबका सहयोग लें और आपका सौभाग्य है कि एक से एक अनुभवी ज्ञानी विद्वान साधु साध्वी समय समय पर बदल बदल करके आपको मिलते हैं, जो आपके भाव जगत को, विचार जगत को आलंबन देते हैं, सहारा देते हैं, आपका जीवन अच्छा बनता है। और आज के प्रसंग पर कुछ बात और भी कहनी है, संक्षेप में कहनी है, 10:35:40 होने वाले हैं। मैंने पिछले 2-3 दिनों में आपको कहा था कि आज साधना के शिखर पुरुष, विश्व संत, अध्यात्म योगी, श्रमण संघ के उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की 109वीं पावन जन्म जयंती भी है। जहाँ कहीं भी उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के संत साध्वी और श्रमण संघ के पदाधिकारी संत जहाँ भी हैं, उस महापुरुष के लिए अपने कुछ ना कुछ बोल विचार जनता के सामने रखते हैं। और ये कृतज्ञ समाज का कर्तव्य बनता है जिन्होंने जिन शासन की प्रभावना करी, स्थानकवासी परंपरा को पुष्ट करने का काम करा, हमें उनको याद करना चाहिए, उनके गुणों को स्मरण करके कृतज्ञता उनके प्रति हमारे को व्यक्त करनी चाहिए। उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के दर्शनों का अनेक बार मुझे भी प्रसंग प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम 1984 15 अगस्त का दिन, और हमारा दिल्ली में लक्ष्मी नगर क्षेत्र में चातुर्मास था और उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज और आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज आदि संतों का चांदनी चौक महावीर भवन दिल्ली में उनका चातुर्मास था। मैं प्रातःकाल लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ एक क्षेत्र में लोच करवा करके वापसी लौट रहा था, तो मेरा विचार था ही कि भाई यहाँ विराजमान है, दर्शन करके फिर आगे बढ़ना है। मैं चांदनी चौक बारादरी के ऊपर स्थानक में गया, पहले कमरे में ही उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज विराजमान थे। मैंने प्रथम बार दर्शन करे, कमरे में प्रवेश किया, भव्य शरीर, गौर वर्ण, खादी के वस्त्र, शरीर बड़ा विशाल हष्टपुष्ट था। मैंने तिकत्तों के पाठ से वंदना करी तो मुझे लगा कि बाहर के राजस्थान या दक्षिण भारत के कुछ दर्शनार्थी 8-10 उनके कमरे में थे। उपाध्याय श्री ने मुझे देखा, देखते के साथ ही उन भाई बहनों को इशारा किया, चलिए आप बाहर जाओ, संत पधारे हैं। मुझे लगा कि देखो प्रथम बार मिल रहे हैं, हमारी दीक्षा इनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन संत की उदारता, विशालता, स्नेह भाव कि सभी ग्रस्ती लोगों को बाहर भेज दिया और एक अलग से महत्व दे रहे हैं। संक्षिप्त सा परिचय हुआ और संक्षिप्त सा परिचय होने के पश्चात उन्होंने कहा कि बगल वाले कमरे में
देवेंद्र मुनि जी महाराज विराजमान हैं, वहाँ भी मिल लो। मुझे जाना ही था, मैं वहाँ गया। वहाँ भी कमरे का दृश्य देखा। आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज तब आचार्य नहीं थे और वो बैठे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे सब ग्रंथ साहित्य भरा पड़ा है और सामने चौकी पेन खुला है, डायरी खुली है, लेखन कार्य चल रहा था। वंदन नमन करके मैं बैठा, संक्षिप्त सा परिचय हुआ। उसके बाद तो दिल्ली, मेरठ और अनेक जगह पर दर्शनों का क्रम लगातार चलता रहा। बाद में उदयपुर में भी मिलना हुआ 1993 के अंदर। ये सारा क्रम चला, लेकिन मैंने जो उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज को देखा तो उनमें संत पने के अनेकों गुण उनके जीवन के अंदर विद्यमान थे। और उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज का जन्म सन 1910 के अंदर राजस्थान के सेमटाल गांव में आश्विन शुक्ला चतुर्दशी के दिन उनका ब्राह्मण पालीवाल परिवार में उनका जन्म हुआ। उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज का जो परिवार था, सभी लोग गांव में बड़े विद्वान थे, क्योंकि ब्राह्मणों का सदियों पुराना एक व्यवसाय रहा है कि विद्वता को प्राप्त करना और ब्राह्मण कर्म का निर्वहन करना। व्याकरणों के जानकार, साहित्य के जानकार, ऐसे विद्वानों का सहज काम उन ब्राह्मणों का होता था। ऐसी सरस्वती की उपासना करने वाले हमारे उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज का परिवार भी था। बालपने में जो कुछ शिक्षा प्राप्त करने से शिक्षा प्राप्त करी, जन्म हुआ, संस्कार मिले, माता पिता ने अपने कर्तव्यों का पालन करा और यूं करते कराते पूज्य श्री ताराचंद जी महाराज के परिचय में आना होता है। वैराग्य के बीज का अंकुरण होता है और जैन संस्कृति के साथ उनका आकर्षण बढ़ता चला जाता है। और समय आने पर 14 वर्ष की अवस्था में उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज ने पूज्य श्री ताराचंद जी महाराज के चरणों में जैन भागवती दीक्षा जो है अंगीकार कर ली। सहज दिमाग बड़ा उर्वर था, विद्वान गुरु का सानिध्य संयोग मिला और धीरे धीरे जैन साहित्य, आगम, दर्शन, विभिन्न प्रकार की परंपराओं का गहन अध्ययन उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया। समय आता है, पूज्य श्री ताराचंद जी महाराज का वियोग भी होता है, लेकिन तब तक हमारे श्रद्धे पुष्कर मुनि जी महाराज ज्ञान की गहराइयां प्राप्त कर चुके थे। गुरु के वियोग को ज्ञान पूर्वक सहन किया और अध्यात्म जगत के अंदर मजबूती के साथ स्वयं तो आगे बढ़े ही, अपने शिष्य समुदाय को भी उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। और मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज एक कुशल शिल्पकार थे। एक शिल्पकार के हाथ में एक अनगढ़ पत्थर दे दिया जाए तो छेनी हथौड़े के योग से उन पत्थरों को त्रासते त्रासते उसमें से एक देवत्व की मूर्ति का वो जन्म दे देते हैं, एक मूर्ति का निर्माण कर देते हैं, मूर्ति मंदिर में पूजनीय बन जाती है। जैसे पत्थर की मूर्ति मंदिर में पूजनीय बन जाती है, ऐसे ही अनगढ़ शिष्यों को गुरु भी अपने अच्छे मार्गदर्शन और संस्कारों के द्वारा घड़कर के समाज में पूजनीय बना देता है। मैंने उन्हें शिल्पकार इसलिए कहा है, उन्होंने अपने कुशल संस्कार और मार्गदर्शन के द्वारा आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, बड़े अच्छे ज्ञानी, विद्वान, लेखक, चिंतक श्री गणेश मुनि जी महाराज जो बाद में प्रवर्तक बने, उपाध्याय बने, और इसी प्रकार उन्होंने उनके शिष्य थे हीरा मुनि जी महाराज, वो भी बड़े अच्छे ज्ञानी विद्वान थे। मैंने 93 में उदयपुर में उनके दर्शन किए थे, वो भी बड़े अच्छे संत थे। और इसी प्रकार हमारे उपाध्याय श्री रमेश मुनि जी महाराज, वर्तमान में प्रवर्तक श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज, श्री नरेश मुनि जी महाराज, इस टोले के अनेक संत साध्वियों को उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज ने उनका निर्माण किया, उनकी रचना रची। और सभी ज्ञानी विद्वान संतों ने जिन शासन की प्रभावना में अपना योगदान प्रदान किया, ऐसे ज्ञानी विद्वान उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज ने अपना निर्माण तो किया सो किया, साथ ही साथ शिष्यों का भी निर्माण करके जिन शासन की प्रभावना के अंदर महत योगदान प्रदान किया।
मैंने अनेक बार उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के प्रवचन सुने, अभी वे आपको आगम की गहन जानकारी दे रहे, तत्व बोध करवा रहे हैं, इतने में ही कोई ऐसा प्रसंग लाते हैं कि सारी सभा खिलखिला जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और उनके अनेक प्रकार के दृष्टांत, कथाएं, काव्य कला बहुत बढ़िया थी। और मैंने कई बार प्रत्यक्ष देखा है, किसी भी नए शहर में गए हैं, नगर प्रवेश का प्रसंग है या कोई भी अन्य प्रसंग है, तो आशु कवि ऐसे थे कि लाइनें आपस में, शब्द आपस में जुड़ते चले जाते थे और काव्य रचना होती चली जाती थी। ऐसे वह आशु कवि थे और बड़ा भारी उनके जीवन के अंदर कवित्व की भूमिका थी और अनेकों काव्य रचना और भजनों का निर्माण उन्होंने अपने जीवन काल में किया। जब साधना के प्रति विशेष उनकी श्रद्धा थी और हमेशा नियमित रूप से अपना जाप पाठ समय पर किया करते थे, दिन में 11 से 12 ध्यान और जाप करना और 12 बजे सबको मंगलिक देना, शाम को रात को ऐसे ही ध्यान करना, जाप करना और रात को मंगलिक देना, उनकी मंगलिक सुनने के लिए ऐसे लोग दौड़ते हुए आते थे जैसे बरसात में पानी बहता हुआ आता है, तो पानी की तरह बहती जनता आती थी और लोगों की अपनी अपनी फीलिंग्स थी कि हमारे जीवन में फला प्रकार की परेशानी थी लेकिन हमने इतनी मंगलिक सुनी और हमारा ठीक हो गया। ये अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, लेकिन ये तो निश्चित है कि जब साधक थे जाप किया करते थे और बार बार के जप करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां साधक जीवन के अंदर प्राप्त होती हैं। और एक बार का प्रसंग है 1984 का ही, दिल्ली के दरियागंज के अंदर महावीर वाटिका में उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज का 75वां जन्मदिन मनाया गया और भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी को आना था। वो आए भी, लेकिन इधर तो ज्ञानी जेल सिंह के आने का समय हो रहा है, इधर उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज के ध्यान में बैठने का समय हो रहा है। संतों ने बहुत कहा, समाज के अग्रगण्य लोगों ने बहुत कहा, महाराज आज ध्यान छोड़ दो, भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं और ये ध्यान फिर कभी कर लेना। उन्होंने कहा, नहीं भाई, राष्ट्रपति आए चाहे कोई भी आए, बाकी के संत बैठे हैं ना, मुझे अपना ध्यान टाइम पे करना है। मंच के पीछे गए, बैठने की व्यवस्था कर रखी थी, वहाँ जाके अपने ध्यान में बैठ गए और जिस समय ज्ञानी जेल सिंह आए, ध्यान खुलने में 20 मिनट के आसपास का समय था, बाकी के संतों वंदना करके बैठ गए। बाद में उपाध्याय श्री जी पधारे तो ज्ञानी जी ने बाद में उनको वंदन नमन करा। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने अपने ध्यान से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता उन्होंने नहीं करा। और उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज ने साहित्य के क्षेत्र में भी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करी, अनेक प्रकार के साहित्य का लेखन संपादन का उन्होंने काम करा, नए पुराने साहित्य को जनता जनार्दन के सामने उन्होंने उपस्थित किया और कई प्रकार की किताबें ऐसी लिखी जो मील के पत्थर की रही। श्रावक धर्म दर्शन बहुत सुंदर किताब है, ब्रह्मचर्य विज्ञान अपने अपने पूर्ण किताब है, जैन कथाओं के 112 भागों का प्रकाशन अपने आप में पूर्ण काम है। तो ऐसे अनेक प्रकार के कार्य उन्होंने अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र के अंदर करे। जहाँ उन्होंने स्वयं लेखन का काम करा, वहीं उनके विद्वान शिष्य आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज ने अपने जीवन काल में 350 से ज्यादा पुस्तकों का लेखन संपादन का काम उन्होंने भी अपने जीवन में करा। और मैं एक चीज और बतलाऊं कि गुरु शिष्य तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी गुरु शिष्यों की जोड़ी प्रसिद्ध होती है। और गुरु शिष्यों की जोड़ी में राजस्थान में खासतौर पर जहाँ स्थानकवासी समाज में उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज और आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, नाता गुरु शिष्य का है, बड़ी अटूट जोड़ी थी। आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज कभी पुष्कर मुनि जी को नहीं छोड़ते थे, पुष्कर मुनि जी आचार्य देवेंद्र मुनि जी को नहीं छोड़ते थे। नहीं छोड़ने का संबंध यह मोह से नहीं है, यह दोनों की ट्यूनिंग, विचार, कार्य, सोच, चिंतन आपस का बड़ा अच्छा था। और वो कभी देवेंद्र मुनि तो कहते नहीं, वे देवा कह के पुकारा करते थे। देवा कह दिया तो यानी देवेंद्र मुनि जी को याद किया जा रहा है। और देवेंद्र मुनि जी महाराज में भी अपने गुरु पुष्कर मुनि जी के प्रति श्रद्धा, समर्पण और उनके प्रति जो उनका लगाव, वो बड़ा सुंदर था, अद्वितीय था।
प्रशंसनीय था, तो ऐसे गुरु शिष्य की जोड़ी स्थानकवासी समाज में इनकी रही। तेरापंथ समाज में आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ दोनों की जोड़ी जो है अच्छी रही। जब जब अच्छी दो ताकतों की जोड़ियां बनती हैं तो उससे देश समाज राष्ट्र को कुछ अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार इन लोगों ने बहुत कुछ समाज को दिया है। और मैंने एक वो समय भी देखा, 1993 हमारे पास दिल्ली में देहरादून में गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज के पास समाचार पहुंचा कि आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज को उदयपुर में 28 मार्च 1993 को आचार्य पद की पछेवड़ी चादर दी जाएगी और आप अपने संतों को भेजें। गुरुदेव ने मुझे कहा कि आप जाओ, हम जो है 4 संत वहां से चले और दिल्ली क्रॉस करते राजस्थान में एंटर किया और समय रहते हम उदयपुर पहुंचे। और लगभग 1.25 महीने आचार्य पद चादर महोत्सव उदयपुर में रहे और बड़ा कुछ वहां पर सुंदर वातावरण देखने में आया, बहुत तरह के अनुभव प्राप्त हुए, चादर महोत्सव का दृश्य देखा। लेकिन चादर महोत्सव आते आते उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ भी इतने हुए कि आचार्य पद चादर महोत्सव में पंडाल में नहीं पधार सके। इस बात का मलाल, मन पर बोझ आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी के भी था, लेकिन कर्तव्य कह रहा था सारे काम करने जरूरी हैं। जब वो वंदना करके जाने लगे, उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज अस्वस्थ होते भी उनकी आंख और चेहरों पर एक चमक थी कि आज मेरा शिष्य जो है विधिवत रूप से आचार्य पद को प्राप्त कर रहा है। आचार्य पद की चादर ग्रहण करके आए, उस समय का वंदना और आशीर्वाद देने का वातावरण बड़ा सुंदर, बड़ा दर्शनीय था। और उसके ठीक शाम से तबीयत खराब होनी और ज्यादा शुरू हुई। एक आध दिन बीतने के बाद उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज ने संथारा ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करी। संथारा ग्रहण करते हैं और संथारा ग्रहण करते हुए फिर वह 3 अप्रैल का समय आता है। हम भी वहां थे, संथारा देने का समय देखा, संथारा चल रहा था, उन दृश्यों को देखा। पादोपगमन संथारे जैसा उनका वातावरण रहा, जहां जैसा शरीर है वैसे ही लेटे हैं, श्वास आ रही है जा रही है। और एक समय ऐसा आया श्वास छोड़ देते हैं। ये क्या था? साधना का निष्कर्ष था, भेद विज्ञान का चरम था। उन्होंने भेद विज्ञान को जीते हुए बड़े सहज शांति समता के साथ अपने देह का विसर्जन किया और ऐसे उत्तम आत्मा उत्तम देवलोकों में प्रस्थान कर गई। ऐसे थे उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, जिन्होंने 1933 के अंदर अजमेर के वृहद साधु सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 1,550 साधु साध्वियाँ मौजूद थे। फिर सादड़ी में जब श्रमण संघ का निर्माण हुआ उस सम्मेलन में मौजूद रहे और अनेक श्रमण संघ की जिम्मेदारियों को स्वीकार करा। और ऐसे उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज को याद करने के लिए संपूर्ण श्रमण संघ तो याद करता ही करता है, लेकिन मेवाड़ की जनता खास तौर पर याद करती है। तो ऐसे उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के प्रति आज की धर्म सभा के द्वारा हम और आप उनके प्रति अपनी विनयांजलि, अपनी श्रद्धांजलि, अपने हृदय के भाव उनके प्रति व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ आज से भगवान महावीर के अंतिम देसरा उत्तराधन का प्रारंभ हो गया है और कल सोमवार है। उत्तराधन सूत्र ठीक 8:15 प्रारंभ हो जाएगा। समय पर आने का खास तौर पर ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में आधा घंटा 35 मिनट जो भी सुविधा रहेगी उत्तराधन सूत्र चलेगा और बाद के समय में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का चरित्र चलता रहेगा। समय नहीं बढ़ाएंगे, 10:30 शार्प जो है जैसे कार्यक्रम समाप्त होता है डेली वैसे हो जाएगा, आप इसका ध्यान रखेंगे। और आने वाली 24 तारीख से ओम असी आउसा नमः का जाप प्रारंभ होगा। जाप के कार्ड आप प्राप्त कर सकते हैं, जाप स्वयं करें, औरों को करने की प्रेरणा दें। 5-5 माला प्रतिदिन आपको 2.25 महीने पारसनाथ जयंती तक आपको फेरनी है।
और 28 अक्टूबर को यहाँ के श्री संघ के तत्वावधान में 41वीं दीक्षा जयंती और 52वें जन्मदिन का कार्यक्रम आ रहा है। बाहर से अनेक श्री संघ यहाँ पर आएंगे और आप उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम को सुंदर रूप देने का आपका प्रयास चल रहा है और वो कार्यक्रम इसी हॉल के अंदर कार्यक्रम होगा। पहले बाहर का निश्चय कर लिया था लेकिन संतों ने कुछ मार्गदर्शन दिया तो संघ ने संतों के भावनाओं को सम्मानित करते हुए यहीं पर कार्यक्रम करने का निश्चय किया है और सायंकाल 6:30-7 बजे संगीत का कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। भजन संध्या कह लो तो भजनों का कार्यक्रम रहेगा जिसमें पूना से तरुण मोदी गीतकार संगीतकार हैं जैन जगत के, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, आप उसका लाभ लेंगे। और इस प्रकार ये सारे कार्यक्रमों की सूचना आप औरों को भी देने का भाव रखेंगे। इसी के साथ साथ ओली तप जो है चल रहा है और ओली तप का आज 6ठा दिन है। 6ठे दिन जो जाप किया जाएगा ओम ह्रीम श्रीम नमो नानस, यानी ज्ञान के नमस्कार की माला आपको फेरनी है और ये माला 51 फेरनी है और सफ़ेद रंग की माला से फेरनी है। और आयंबिल का जो आहार कर सकते हैं उसमें भोजन में आप चावल की रोटी सफ़ेद चीज़ें इनका प्रयोग आप कर सकते हैं और आयंबिल करने वाले इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ एक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना और है, सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से आप तक सूचनाएं लगातार पहुंच रही हैं, ऑडियो वीडियो लिखित संदेश आप तक आ रहे हैं। बिहार झारखंड में सम्मे शिखर जी का जो पहाड़ है, सदियों से जैनों की ये मान्यता रही है, श्रद्धा रही है कि हमारे 20 तीर्थंकरों ने यहाँ से निर्वाण की मुक्ति की प्राप्ति करी। स्वाभाविक सी बात है जिस भूमि के प्रति हमारी श्रद्धा की भी यहाँ से निर्वाण की प्राप्ति करी, अयोध्या में कोई जमीन की कमी थोड़ी ना है, झगड़ा इस बात का भगवान राम की जन्मभूमि ये है, मंदिर यहाँ बनेगा, सारा देश झगड़े को देख रहा है। तो हमारी दृढ़ श्रद्धा है कि हमारे तीर्थंकर इन पर्वतों पर से मोक्ष में गए, इन पर्वतों के स्थान पर किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देश में कोई घालमेल चल रहा है, 3 तलाक है तो कोर्ट आंगड़ा देता है, सबरीमाला का निर्णय आता है तो लोग कहते हैं नहीं जी धर्म सबसे ऊपर है, जैनियों की बात आती है संथारे में कुछ और निर्णय है और सम्मे शिखर जी कुछ और निर्णय है, या तो कोर्ट कचहरी करे, धर्म का विषय अलग है, हम टांग अड़ाते ही नहीं, किसी धर्म में टांग अड़ाएं किसी में ना अड़ाएं बड़ी अजीब सी बात है, इसको ठीक देर सवेर करना पड़ेगा नहीं तो देश में अशांति बढ़ सकती है। तो वहाँ जो पर्वत हैं हरे भरे हैं अच्छे हैं सम्मे शिखर जी, हम तो कभी गए नहीं, आप लोगों में से कई लोग गए हैं, वहाँ की झारखंड सरकार वहाँ टूरिज्म टूरिस्टों को लाने के लिए कई तरह प्लानिंग करी, होटल बना रही है, शराब की दुकानें खुल रही हैं, मांसाहार का वहाँ पर प्रचलन बढ़ाया जा रहा है, हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। आज किसी की हिम्मत है अमृतसर गुरुद्वारे के पास जाके ऐसी गड़बड़ कर दे, सरदार लोग सबक सिखा देंगे, ये तो सीधे साधे जैन हैं जो टांग अड़ा देते हैं इस प्रकार के लोग। तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने तो गड़बड़ आज से 1.5-2 साल पहले ही कर दी थी। उनका एक बयान आया था कि झारखंड में सम्मे शिखर जी के पहाड़ों पर सबसे और पहला अधिकार आदिवासियों का है। अरे ठीक है आदिवासी हैं, जैन लोग तो जाते हैं, तुम्हारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और अनेक प्रकार के रोजगार देते हैं, कपड़े बांट के आते हैं, खाना खिला के आते हैं, दुनिया भर के काम करके आते हैं, लेकिन जैनों के तीर्थों पर शराब मांस का प्रचलन बढ़े तो जैनों को आज सोचना है। कल को वहाँ पर 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया तो बाद में आपकी कोई नहीं सुनेगा और कुछ नहीं करना, डंडे नहीं बजाने, हजारों की तादाद में ऐसे धरने प्रदर्शनों में शामिल हों, कहीं सिग्नेचर अभियान चलते उसमें योगदान दें ताकि जन दबाव पड़ करके सरकार सोचने को मजबूर हो। हमारे लोग गाल बजाने के मास्टर हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के बातें कर लेंगे, लंबी लंबी हाँक लेंगे, लेकिन जब वक्त आता है बाहर निकलने का तब घर में बैठ जाते हैं। तो ये वक्त है बाहर निकलने का और जब पब्लिक बाहर आती है तो मीडिया के माध्यम से बात कहीं की कहीं पहुंचती है,
ग्रह मंत्रालय की हजारों आंखें वातावरण को वॉच करती हैं। आवश्यकता है कि आपके यहाँ बेंगलोर के अंदर कल्याण मित्र परिवार, कॉमन सा नाम है, या यूं कह दूं सकल जैन समाज की ओर से परसों 23 तारीख मंगलवार को प्रातः 8:30 बजे टाउन हॉल से एक विशाल रैली चलेगी और जो फ्रीडम पार्क में आकर के सभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। 8:30 का समय है और ये सारा कुछ होते होते 9:30-10 बज भी जाए तो कोई आफत वाली बात नहीं है। प्रयत्न करें कि आप ऐसे कार्यक्रमों में स्वयं शामिल हों, औरों को शामिल होने के लिए बोलें। दुकान आधा एक घंटे बाद में खुल जाएगी, दुकान दफ्तर के काम बाद में हो जाएंगे, लेकिन अपनी विशाल उपस्थिति जो है वहाँ जरूर दर्ज कराएं। और इस रैली में जैन परंपरा के विभिन्न साधु साध्वी भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ से भी देखते हैं 2-4 संतों को भेजने का जो भी रूप बनेगा तो देखते हैं। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि हमें ऐसा नहीं सोचना कि वो तीर्थ उन परंपरा का है उस परंपरा का नहीं, सकल जैन समाज की संस्कृति है और इस पर कोई आफत आती है तो हमें सबको मिलकर के इसका जो है मुकाबला करना है। तो आप इन चीज़ों को भली प्रकार से जानते समझते हैं और आज के पचखान होंगे। आज का एकासना किसी का भी हो, एकासना ब्यासना, आज का छठा आयम बिल जिनका भी है पचखान लेंगे। आयम बिल बोसरे किसी का उपवास हो, उपवास बोसरे प्रतिदिन किए जाने वाले त्याग पचखान की श्रेणी में आज के 2 पचखान रहेंगे। आज के दिन यानी 24 घंटे के लिए आप सभी प्रकार का अचार और सभी प्रकार के मुरब्बे का त्याग रखेंगे। अचार और मुरब्बे का आज का एक दिन का त्याग रहेगा। बोसरे और आज की धर्मसभा में दिल्ली आजादपुर से हमारे संजय जी जैन, सोनू जी जैन ये आए हुए हैं और आज हमारे कुछ बंधु चेन्नई से भी यहाँ की धर्मसभा में पधारे हैं और सभी भाई बहनों के जीवन में धर्म अध्यात्म का विकास हो ऐसी मंगल कामना करते हैं। और श्री संघ की सूचना और उसके पश्चात जयकारे और मंगल पाठ होगा।